भर्ती दो योगी जी योगी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। हजारों छात्र लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच गए हैं। बहुत सारे छात्र अभी भी आ रहे हैं लखनऊ। आज छात्रों ने ऐलान किया है एक बड़े आंदोलन का। मांग है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इससे पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुए लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला। लगातार बयानबाजी 17,000 पदों की हो रही है लेकिन वो भी पद कब आएंगे, भर्ती कब आएगी, कोई भी अता पता नहीं है। छात्रों की मांग 17 नहीं 97,000 है और छात्रों ने इस बार ये भी ऐलान किया है कि इस बार बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अपने बैनर पोस्टर के साथ हम प्रदर्शन करेंगे और जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां बैठेंगे, चाहे वो विधानसभा हो, मुख्यमंत्री आवास हो या शिक्षा मंत्री आवास हो। तो देख सकते हैं तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसी बीच शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान आया है, आगे आप वीडियो में देखिए। चक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों ये किताब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सभी विषय यहाँ पर कवर हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, साथ ही साथ 68,569 पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में दोस्तों आप समझ पाएंगे क्लियरली कि किस विषय से कितने नंबर का सवाल शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो ये किताब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सुपर टेट के लिए गाइड बुक तो चक्षु पब्लिकेशन की आती ही आती है, इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहां पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज एक बड़े आंदोलन का ऐलान छात्रों ने कर दिया है, आंदोलन शुरू भी हो गया है लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, आप ये वीडियो देख लीजिए। सरकार ने केवल बेसिक शिक्षा विभाग में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की, स्कूल भेज दिया अध्यापकों को। जहाँ गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं उस हर स्कूल में आज टीचर है। जहाँ स्कूल बंदी के कगार पर थे, समाजवादी पार्टी के समय में स्कूल धड़ाधड़ बंद हो रहे थे, आज 54,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़े हैं, जो देश भर की रिपोर्ट आई है। सबसे ज्यादा नामांकन उत्तर प्रदेश में हुआ है। कुल शिक्षा विभाग में 1,50,000 टीचर भर्ती हुए हैं, उसको लालीपॉप वाली सरकार कहेंगे? अरे भाई, भर्तियां जब जैसी जैसी जरूरत होगी होंगी। ये कोई अजस्र धारा गंगा की नहीं है कि लगातार रोज रोज होता रहेगा। फिर भी अभी अभी सरकार ने 6,000 की एक काउंसलिंग हो रही है, 17,000 नई भर्तियों का विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है। कोई तो लिमिट होगी कि कितना करेंगे भाई। तो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल साफ है कि सरकार 97,000 भर्ती देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और 17,000 की जो चर्चाएं हैं वो भी छात्रों को लॉलीपॉप ही लग रहा है क्योंकि अभी तक तो इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। अब जब बिल्कुल करीब आ गया है आचार संहिता चुनाव, अब ये 17,000 की बात कर रहे हैं। 6,000 जो सीटें जोड़ने वाले थे 69,000 में आरक्षित वर्ग के हितों का हनन हुआ, वो भी सूची आज भी जारी नहीं हो पाएगी जैसा कि आप ये खबर देख सकते हैं। तो सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, चुनाव के प्रचार में लगी हुई है और आज के आंदोलन को आपको सफल बनाना ही होगा यदि आप चाहते हैं प्राथमिक में भर्ती आए और वो भी जल्द आए। तो ये थी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोग अपनी बात रखने के लिए मीडिया की तरफ सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। उनसे मेरी विनती है कि आप लोग देखिए, आप शिक्षक हो, जो आपका साथी बता रहा है वहाँ पे वो भी वही बातें बताएगा जो 10 लोग बताएंगे। इसलिए जिसके पास मीडिया जाती है वो अपनी बातों को रखे, वो भी वही बातें रखेगा जो हमें रखना है। और साथ ही हमें किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं करनी है। शिक्षक जो है समाज का दर्पण है, इसलिए वो दर्पण को हमें हमेशा बचा के रखना है। और जैसा कि ये पोस्टर है, रजत भैया ने कहा छपवा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप लोग ये चार्ट पेपर लेके आप लोग खुद से भी ये चीज़ बना के और क्लियर लिख के 97,000 शिक्षक भर्ती आप वहाँ पे लाइए। ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। पीछे जुड़ जाइए।